सभी को राम राम। एक बार फिर से गणित दर्शन के चौथे अंक की तरफ अपन बढ़ते हैं। तीन अंक पहले से हमने प्रकाशित कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और एग्जाम में ये इतने ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं कि आप मुझे हमेशा याद रखोगे कि गणित दर्शन हम लोगों ने शुरू किया था। तो गणित दर्शन के चौथे अंक की तरफ अपन बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की तरफ अपन देखते हैं। ऐसे प्रश्न आप लोगों ने एग्जाम में जरूर देखे होंगे साथियों, कैसे हम इनको हल करेंगे ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं, कई बार ऐसे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्या ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? तो बिल्कुल ये ब्रेक हो रहा है। ये किस में ब्रेक हो रहा है? देखो, ये 2 × 3 में ब्रेक हो रहा है। ये देखो गाइस, 3 × 4 में ब्रेक हो रहा है। ये देखो, 4 × 5 में ब्रेक हो रहा है। और ये देखो, 5 × 6 में ब्रेक हो रहा है। 5 × 6, फिर 6 × 7 और फिर 7 × 8। अगर ऐसे ब्रेक होता है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टर्म काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल पद कितने हो गए? 6 हो गए मेरे प्यारे साथियों। अब पहला टर्म कितना है? 2 है। और अंतिम टर्म कितना है? 8 है। तो यहाँ पे रख दीजिए 8। तो ये हो गया 3/8, 3/8 ये आपका आंसर हो गया। कई कई बार एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट बातें आ जाती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसे देखो, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11 इस तरीके से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टर्म काउंट करो, 1, 2, 3, 4। ध्यान रहे, इनका जो बीच में ये गैप है, ये एक जैसा ही चलना चाहिए, एक जैसा ही चलना चाहिए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करना, जैसा मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को चलना। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल टर्म? हो गई 4। 4 होगी कि नहीं होगी? 1, 2, 3, 4। पहला टर्म कितना इसमें? 3, तो लिख दीजिएगा 3। अंतिम टर्म कितना है यहाँ पे? 11, तो कितना हो गया? 4/33। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी का गैप देखो, 3, 3, 3, 3, 3 का चल रहा है। टोटल टर्म कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए। पहला पद कितना? 2। अंतिम पद कितना? 17। तो आपके पास में कितना हो गया? 5/34, 5/34। तो उम्मीद करता हूं ये आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर इतनी सी टर्म आती है तो आप लोग डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं, जब गणित दर्शन के हम लोग 2000वें एपिसोड में जाएंगे तो आप देखोगे कि आप खुद मैथ्स पढ़ाने लायक हो जाओगे। इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दिया, गणित दर्शन के 2000वें अंक में आपको चलना है। आज हम सिर्फ चौथे अंक पे चल रहे हैं, पहले तीन अंकों को आपको देखना है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको मैथ्स में, आप हमेशा मुझे याद करोगे कि हम लोगों ने कैसे चीजें की हैं। तो प्यारे साथियों, अगली बात पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, कई बार ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं, इसके बराबर कुछ दे देता, एक्स का वैल्यू ये है तो इसका वैल्यू आप लोग बताइए। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए, इसको एक ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं कि जिनका डिफरेंस एक आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और इन्फिनिटी तक ये सीरीज चल रही है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि इनका गैप एक आ जाए। तो आप बोलोगे सर, 5 × 6, 5 × 6। अगर यहाँ पे प्लस प्लस चल रहा है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस चल रहा है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा? 6 होगा। प्यारे साथियों, कई बार यहाँ पे एक के बजाय कुछ और नंबर दे देता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने ये वाली चीजें तो बहुत जगह पढ़ी होंगी कि सर ये तो हमें ही पता है 5 × 6, लेकिन मैंने आपको बोला कि गणित दर्शन के इस अध्याय में हम बहुत अच्छी चीजें पढ़ेंगे जो आप लोगों ने नहीं भी पढ़ रखी है। तो देखिए यहाँ पे मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, ये बात समझ गए होगे। ऐसी संख्याओं में ब्रेक करेंगे जिनका अंतर एक हो। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक गिवन है। आगे देखिए, जैसे प्यारे साथियों यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस वाली बात में तो आपको पता है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे 5 × 6 है। जब माइनस आता है तो छोटे वाला आंसर हो जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो अब क्या करना है, इस 35 को ऐसे नंबर में तोड़ना है कि जिनका अंतर 2 आए। जब यहाँ पे 2 आए तो डिफरेंस 2 आना चाहिए,
यहाँ पे जैसे चार आ रहा है तो डिफरेंस चार आना चाहिए। तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 35 को कैसे तोड़ दूंगा 7 × 5 में, देखो डिफरेंस 2 आ रहा है, प्लस का सिंबल है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, माइनस होता तो छोटे वाला आंसर हो जाता, तो इसका आंसर 7 हो गया। अब देखो प्यारे साथियों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, इन्फिनिटी तक सीरीज चल रही है, तो 12 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जिनका अंतर 4 आए, तो यहाँ पे कितना होगा 6 × 2, तो आपके पास में डिफरेंस 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस है तो 6 आंसर हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस होता तो 2 आंसर हो जाता। मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं कि गणित दर्शन के इस चौथे अंक में आप लोगों ने बहुत मजा उठाया होगा, पांचवें दर्शन का आप लोग, पांचवें अंक का आप लोग इंतजार करिए, अगले दिन हम लोग उसको लेके आएंगे। जब तक चौथे दर्शन को आप लोग शेयर करते रहिए, अपने साथियों को भी पहुंचाते रहिए, क्योंकि सबको बहुत काम आने वाला। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, टेक केयर।